शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के 1,70,000 से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन निकाले हैं और इस परीक्षा की जो जिम्मेदारी है, जो शिक्षक बहाल होंगे इसकी जो बहाली की जो जिम्मेदारी है वो बिहार लोक सेवा आयोग को दी गई है। इस वक्त हमारे साथ बिहार लोक सेवा आयोग के संयुक्त सचिव सत्य प्रकाश शर्मा है। हम आपको बता दें कि बिहार में जो टीचर्स की जो बहाली होनी है उसके जो नोडल जो ऑफिसर हैं वो सत्य प्रकाश शर्मा हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज से ऑनलाइन जो प्रक्रिया है आवेदन की वो शुरू हो गई है, लाखों की संख्या में आवेदन आएंगे। जो बिहार के जो छात्र हैं वो सर जानना चाहते हैं कि सर क्या तैयारी है आपकी इसको लेकर। देखिए, मैं बहुत क्लियर कर दूं कि जो अभी शिक्षक नियोजन होना है BPSC के द्वारा, इसमें कुल वैकेंसी 1,70,461 प्राप्त हुआ है। अधियाचना के अनुरूप में ही ये परीक्षा आयोजित होना है और आज से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा होना शुरू हो गया है, जो 12 जुलाई तक चलेगा। यही इसका प्रोसेस है और सिंपल एप्लीकेशन फॉर्मेट है। इसके लिए 3 दिन का डेमो का टाइम भी दिया गया था कि कोई परीक्षार्थी कहीं से अप्लाई करके वो देख सकते हैं। उनके एप्लीकेशन भरने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डेमो दिया गया था। सर, एक सवाल ये है कि सर इतनी बड़ी संख्या में मतलब कि आप लोगों ने बहाली की प्रक्रिया शुरू की है, इतने लाखों के पद हैं सर। सर, जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि 12 जुलाई आखिरी डेट होगी या फिर आगे चल के उसको आप लोग कुछ बढ़ाएंगे भी उसको। अभी तो डेट फिक्स हमने किया है, 12 जुलाई क्लोजिंग डेट रखा हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे BPSC की और भी परीक्षाएं होती रहती है तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत होते हैं। BPSC का 67वीं परीक्षा हुई या 68वीं को हुई, उसमें लाखों की संख्या में परीक्षार्थी अपीयर होते हैं और फिक्स डेट के अंदर ही फॉर्मेट आ जाता है, फॉर्म भरा जाता है, कोई मुश्किल नहीं होगा। तो सर, क्या माना जाए कि जो बहाली होगी उसके लिए जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो भी बेफिक्र होकर तैयारी करना शुरू कर दें, क्या मानते हैं आप? हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो हम लोगों ने जो BPSC का वेबसाइट है उस पर सिलेबस का भी डिटेल्स डाला हुआ है और परीक्षार्थियों से मेरा अनुरोध हो गया उसके एकदम थॉरली जाएँ और समझें, बहुत चीज़ें आसान कर दी गई है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो ये हमारे साथ बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा थे। ये कहा जा सकता है कि एक तरफ जहाँ पूरे देश में जो है बेरोजगारी की चर्चा हो रही है, उस ऐसे आलोक में जो शिक्षा विभाग ने एक बड़ी जिम्मेदारी जो है बिहार लोक सेवा आयोग को दी है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग अपनी निष्पक्ष कार्रवाई और अपनी निष्पक्ष परीक्षाओं के लिए जाना जाता है। पिछले 2-3 साल 4 सालों का रिकॉर्ड निकाल के देखें तो यहाँ इस बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 10,000 से ज़्यादा पदों पर बहाली हुई है और इसी रिकॉर्ड को देखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग को इस बार शिक्षक बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।